दोस्तों यहाँ पे अभी एक जंगल में दरगाह है, तो ये बच्चों के साथ मैं वही दरगाह देखने के जा रहा हूँ जो कि जंगल के अंदर है, पहाड़ी के नीचे। तो आइए अभी हम दरगाह देखते हैं और कौन से हसद की है ये, उनका नाम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये जंगल के अंदर है दरगाह, इस ओर है जंगल। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ा पत्थर है, ये काफी बड़ा पत्थर यहाँ पे रुका हुआ है और यहाँ पर गुफा भी है। और यहाँ से भी अंदर जा रहे हैं, देखो दरगाह के पास में ही दरगाह है। ये जो दरगाह है ये मीर महमूद रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के पास में ही है। तो दोस्तों बच्चों के साथ में मैं यहाँ पे आ गया हूँ, देख सकते हैं अभी बच्चों ने मुझे यहाँ पर लेकर आया है। और ये है दरगाह हजरत सैयद शम्स जलालुद्दीन बाबा किबला रहमतुल्लाह अलैह, दरगाह का नाम बताइए आइए, जो कि ठीक ऊपर वो दरगाह हजरत महमूद मीर महमूद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के नीचे। अब ऊपर देखेंगे तो उनकी दरगाह है और ये नीचे दरगाह है, उधर चिल्ला है। तो ये है मज़ार हजरत सैयद शम्स जलालुद्दीन बाबा किबला रहमतुल्लाह अलैह का। और ये कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं काफी पुराना है, और यहाँ से अंदर जाने के लिए रास्ता भी है। ये देख सकते हैं ये यहाँ पे रूम्स बने हुए है जो कि हजरत मीर महमूद रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के नीचे बना हुआ है। ये रास्ता खराब होने के कारण इसके अंदर जा नहीं सकते, देख सकते हैं कि अंदर का रास्ता काफी खराब है। और दोस्तों इसके अंदर से एक खुफिया रास्ता भी था जो कि हसन नगर जाता था, लेकिन अभी उसे बंद कर दिया गया है। और इसकी हालत आप देख सकते हैं कि कैसी है, अंदर जाया नहीं जा सकता। तो आइए अभी हम मीर महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के पास जाएंगे। ये देख सकते हैं उनके मज़ार से पास जाने से पहले कुछ और मज़ारे भी थे। और दोस्तों ये देख सकते हैं कि जंजीर लगी हुई है हजरत के मज़ार के पास जो एंट्रेंस है। और ये है मकबरा हजरत, चलिए अभी अंदर जाके देखते हैं हजरत के मकबरे में। कंस्ट्रक्शन तो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। और ये है मज़ार हजरत मीर महमूद रहमतुल्लाह अलैह की। तो दोस्तों ये है मीर आलम टैंक जो कि एक तालाब है जिसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी पुराना है। और ये हजरत मीर महमूद रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के पास में ही है। इस वक्त मैं मीर महमूद रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के एरिया में खड़ा हुआ, और यहाँ से आप खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं टैंक का। और ये जो मज़ार है ये हजरत के फैमिली मेम्बर्स की मज़ार है दोस्तों।